आगे आगे आ वंदे मातरम जेके भी बॉर्डर पटाने के एस्पिरेंट जी सर, ना तो हम रुकेंगे, ना कभी हम रुके थे ना हमने रुकना है। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा हम ऐसे ही आएंगे। इनको लगता है कि जैसे जैसे डिले होगा ये शांत हो जाएंगे। शांत होने वाले नहीं है ये, जब बॉर्डर के बच्चे हैं इनको पता होना चाहिए। अगर ये गोली बारूद बम्बों से उधर सामना कर सकते हैं तो इधर आना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बस इतना है कि हमें आना पड़ता है, मजबूर हैं हम, लेकिन हम आते रहेंगे। इनको हमारा काम करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने इनको वोट दिए हैं, सत्ता में बिठाया है, हमें इनसे उम्मीद थी तब इनको बिठाया। दो बार हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पार्लियामेंट में भेजा, अभी हमारे जुगल किशोर जी हैं, पहले जब स्टेट थी हमने 3 MP जहाँ से भेजे थे, 32 सीट हमने जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे इन्होंने PDP के सरकार नहीं तब हमने दिए थे इनको। अभी DDC के इलेक्शन हुए हमने बहुत जोर लगाया, इनको इतनी सीट दी है कि सबसे ज्यादा इनको भाजपा को मिली है, लेकिन अब इनको हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर झूठ इनके साथ चला था अब इनको हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जब इनकी रैलियां होती थी हम अपनी बाइक के पीछे BJP का झंडा लेके चलते थे। आज जो इनके एंटी चलते थे भाजपा के वो आज हमें पूछते हैं और भाई मोदी भक्त तो कैसे हो, हम किसका सामना करें, उन लोगों का सामना करें या सरकार का सामना करें। सर अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आप क्या करोगे आने वाले समय में? ऐसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है, चलता रहेगा। हम रुकने वाले नहीं है क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। 4 साल बहुत ज्यादा होते हैं, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर आपकी उस बंदे को पूछो जिस बंदे की 1 सेकंड से ट्रेन लेट हो जाए, उस बंदे को पूछो जो एक बार बंदा फेल हो गया हो। हमारे तो 4 साल उन्हें खा दिए हैं, हम कहाँ जाएं, हमें दुखनी है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो घरों में बैठे हैं हमारा मजाक ले रहे हैं, आज हमारे साथ हो रहा है, इसकी क्या गारंटी कल को आपके साथ ना हो, आपके बच्चों के साथ ना हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा हमें सपोर्ट करो क्योंकि हम इनसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम बस इतना मांग रहे हैं कि हमारा जाम ले लो। और हमें क्यों दुख दे रहे हो, हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग आराम से हम पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी और हमें तो रोड़ों पे ला दिए जम्मू में। इनको हमसे पता नहीं प्यार हो गया है, पता नहीं क्या है, इधर चाहते जम्मू में आते रहे थे, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं हमें जम्मू में लाके। हम इस तरह कहते हैं जी साहब हमारा काम कर दो, बस आपके जोड़े हाथ। और जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है उनको आज तक पता ही नहीं चला कि JKP वाटर प्लांट का क्या इशू चल रहा है। तो मैं मीडिया से कहता हूँ कि इनके नॉलेज में लाओ ये बात कि इनकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, बॉयज के साथ क्या हो रहा है। अब बहुत हुआ, अब इंसाफ कर दो, इंसाफ की जरूरत है।